आप रिफ्यूजल तो बाद की कर सकते हैं, पहली चीज रीकंसीडर, दूजी चीज जुडिशियल रिव्यू, तीजी चीज रीअप्लाई। तिना जो आप की करना है, काफ़ी लोग जो मैं हम रीकंसीडरेशन की लास्ट वीडियो जो तो पाई सी उस तो बाद कॉल्स टू मच, बहुत लोगों ने कॉल आई हैं, बहुत लोगों ने मैसेज आ रहे, सर आप फलाने एजेंट तो रिफ्यूज हो, सर रीकंसीडरेशन की चीज़ है सानू पता ही नहीं है, तुम ये कि वीजा लिया दिता की किया, बहुत कॉल्स। सो पहली मैं गल करूँगा जुडिशियल रिव्यू की, वो एक लॉयर कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू दैट इज अ कॉस्टली प्रोसैस, मे बी वह अपनी फीस $4,000 लवे या 6,000, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिम। और फैडरल कोर्ट के फाइल जाती है, लेंथी प्रोसैस है, कॉस्टली प्रोसैस है। सैकेंड ऑप्शन है रीअप्लाई, जो कि 99% ही हर कंसल्टेंट वालों किया जाता है, और मैं भी इनफैक्ट यही कहना कि सर रीअप्लाई कर लो तो ज़्यादा बैटर है, क्योंकि वह टाइम उन्हें मतलब कि घट वेस्ट होंगे है, और नवे फैक्टर जो है एड ऑन कर सकते हैं, नवे फैक्ट्स एड ऑन कर सकते हैं। थर्ड रीकंसीडर, जिहड़ी कि मैं लास्ट वीडियो पाई सी कि रीकंसीडरेशन तो बाद वीजा आ गया। दोस्तों रीकंसीडरेशन तो बाद वीजा आने के चांसिज जिहड़े हैगे ना वो बहुत ज़्यादा नहीं ने, वो काफ़ी चांसिज घट होंदे ने, ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल टू प्रोफाइल। मैं रीकंसीडरेशन अज दी नहीं पा रहा, मैंने रीकंसीडरेशन पाते टाइम हो गया, लेकिन कभी सानू सक्सैस बहुत खास नहीं मिलिया हैगा, ना इस साल सक्सैस मिलिया, ना पिछले साल, ना उस तो पिछले साल। बहुत पहला एक रीकंसीडरेशन की तो उदो डिकलेयर हो गई थी, इशू हो गई थी, बट नाउअडेज अगर आप रीकंसीडर हूँ भी आप रीकंसीडरेशन पाई थी गुजरात के क्लाइंट सके तो वो साफ साफ लैटर आ गया सॉरी तभी आप फाइल ओपन नहीं कर सकते हैं। सो रीकंसीडरेशन के वीजा सक्सैसफुल हो जाए ये चांसिज 5-10% है, काफ़ी घट चांसिज आ, और ये आप एफर्ट्स उसी कलाइंट के करने है, या वो कलाइंट रीकंसीडरेशन करे अपनी फाइल जिहड़ा कलाइंट लगता कि यार मेरे नाल नजायज हुई है। इन द सेंस सपोज करो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो कोई बंदा मैरिड है और वो कोल अच्छे खासे फंडस है, जेन्युइन फंडस है, जेन्युइन बिजनेस हैगा, ट्रैवल हिस्ट्री है, वो बच्चे पिछे है, कला जा रहा है, एवरीथिंग इज गुड, तो वह अपने रीकंसीडरेशन पा सकता है। हुण उहदे कंपैरेटिव एक बंदा जो कि सिंगल है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, खास कोई फंड्स भी नहीं है, वह रिफ्यूज आ गया, वह कभी मेरा भी रीकंसीडर मैं करना चाहना है, नो। प्रोफाइल में देख के आप दोस्तों दसते होंगे कि यार तुसी रीकंसीडर कर लो, तुसी ना करो। सो रीकंसीडर एंड रीअप्लाई दो ऑप्शन है, सो मेरे वालों हमेशा यह होंगे कि रीअप्लाई कर लो ज़्यादा बैटर है, कुछ टाइम गैप पा के रिफ्यूजल तो बाद थोड़े अपने फंड्स को अपग्रेड करो, थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, थोड़ी प्रोफाइल में चेंज कर लो, उस तो बाद रीअप्लाई ही करो तो बैटर है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है या एम्बेसी फीस द्वारा लगती है। रीकंसीडरेशन दे विच लैटर ड्राफ्ट होनी है, वो लैटर ईमेल करनी है आपां एम्बेसी, एंड उस तो बाद उत्थों दी हाई कमीशन तो बाद जे लगता होगा तो फाइल द्वारा रिव्यू च जाएगी और फिर थोड़ा वीजा ग्रांट हो सकता, बट चांसिज दोस्तों मैं फिर द्वारा कह रहा रीकंसीडरेशन चांसिज काफ़ी घट ने कि वीजा अप्रूव हो जाए, हार्डली 5-10%। सो मेरे अकॉर्डिंग तुम मेहनत अपनी प्रोफाइल ते करके द्वारा रीअप्लाई करना चाहिए, बट जिथे मैंने लगता है कि यार बंदे की प्रोफाइल बिल्कुल वधिया सी, बहुत वधिया, तो आप रीकंसीडर कर सकते हैं। सो आई होप काफ़ी लोगों के डाउट्स क्लीयर हो गए, जो स्टिल डाउट्स नहीं क्लीयर हुए मैंने ईमेल तुम कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना दोस्त रणजीत सिंह रीहल फ्रॉम वीजा हब इमीग्रेशन।